हे गाइस, वेलकम बैक टू जॉब शॉप चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेरी वेरी वेल। आप सभी ठीक होंगे एंड घर पर होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को अच्छे तरह से आपने मेंटेन करके रखा होगा। तो देखिए, मैंने जब लास्ट वीडियो बनाई थी रिलेटेड टू डीआरडीओ एग्जामिनेशन, दी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपलोडेड बाय डीआरडीओ ऑन देयर वेबसाइट, तो आप सबके पत्नी कुछ मतलब सिली डाउट्स आ रहे थे। यानी कि आपको कुछ माइन्यूट सी जो चीज़ें होती जो आपको पता होनी चाहिए किसी एग्जाम में बैठने से पहले, देने से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। प्लस मैं एग्जाम से रिलेटेड भी कुछ बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें खराब होती जा रही हैं एंड आपको भी मतलब जॉब चाहिए एंड कोई भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड नहीं बैठना चाहता, सारे ही एम्प्लॉयमेंट पाना चाहते हैं और खास करके गवर्नमेंट जॉब में। चलिए बात करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चलो सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, बाय विच एवरीवन कैन गेट बेनिफिट ऑफ इट। ठीक है, तो आपको पता है कि जो डीआरडीओ की वैकेंसी निकाली थी इसकी, डीआरडीओ सेप्टम, जिसका मतलब होता है सेंट्रल फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट एंड, तो इसके अंदर आपको पता है डीआरडीओ जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 2019-20 एमटीएस का है। ये ग्रुप सी की गेजेटेड नॉन गेजेटेड पोस्ट थी, इसके अंदर 18-17 वैकेंसीज थी। पोस्ट कोड नंबर था 1301। इसके अंदर नॉर्मली आपकी क्लास 10th पास मांगा था और आईटीआई मतलब और है, 10th पास होनी चाहिए, आईटीआई 18 से 25 साल इसमें एज लिमिट थी। जो डाउट आ रहा है बच्चों सबसे ज्यादा वो आ रहा है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है। देखिए, आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग, आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव मार्किंग है। बट लेकिन यहाँ पे इसका एक डीमेरिट भी ये है कि आपका कट ऑफ हाई जाता है इसके अंदर, कट ऑफ हाई इसलिए जाता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप सारे क्वेश्चन करके आए, जो ना आता उस पर भी लगा के आए कम से कम एक परफेक्ट। आपको पता है ना, एक प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन के ठीक होने की, तो प्रोबेबिलिटी आप सही से किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने से पहले प्रोबेबिलिटी को देख के आंसर लगाए। इसके अंदर जो मेन चीज है जो आपको बताने वाला हूं मैं, आपको ये डाउट है कि टीयर 1 एंड टीयर 2 क्या मेन है, किसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा एंड किसके थ्रू आप फाइनल मेरिट में जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो टीयर 1 सीबीटी है ना, वो आपका ओनली स्क्रीनिंग है, इसलिए ना मतलब ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है, बाकी आपको कट ऑफ में तो नाम लाना ही है। बट लेकिन इससे आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, ये बस आपको सेकेंड टीयर तक पहुंचाएगा, जो आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगा, जो आपको मतलब जॉब दिलवाएगा वो आपका टीयर 2 है। तो टीयर 2 के अंदर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है या आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, इसी के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी एंड इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, इसी के बेस पे आपकी ज्वाइनिंग होगी टीयर 2 के बेस पे। तो ये चीज ध्यान रख लीजिए, ठीक है। और काफी बच्चे ये पूछते हैं कि एग्जाम नहीं होगा, इस साल नहीं होगा। देखिए, एग्जाम तो होना है, जब वैकेंसी निकली तो एग्जाम तो होना है एंड डीआरडीओ एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्योंकि हर चीज़ें टाइम पे करती है। अब तक 8 वैकेंसी निकाल चुकी है, 9वीं वैकेंसी है एमटीएस की। तो आपको एक चीज ध्यान रहना चाहिए, एग्जाम तो होगा ही बट लेकिन आपको पढ़ने में ध्यान देना चाहिए और किसी पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ लोग हैं कि लॉकडाउन में बिल्कुल आलसी बन चुके हैं, बिल्कुल भी मतलब मेहनत नहीं कर रहे कि मतलब नहीं होगा, कुछ नहीं होना, कुछ बचा ही नहीं है। तो देखिए, आप एक तरफ को सोचिए, जो बच्चे मेहनत कर रहे होंगे ना वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो एक इसको पॉजिटिव वे में लेके चलिए, पढ़ाई लिखाई करिए, आपके पास और कोई काम नहीं है और आपका बहुत ही जल्दी एग्जाम होगा एंड जब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, मेरे को होता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। अगर आपको ये देखिए, इसके अंदर चाहिए ग्रुप सी की जॉब हो लेकिन आपको पता है इसमें कितने बेनिफिट मिलेंगे। देखिए, आपको लेवल 1 का भले पे मैट्रिक्स हो, आपकी सैलरी इन हैंड अराउंड 30 मिल जाएगी आपको, प्लस 7 सीपीसी आपकी सैलरी आपकी 56,900 तक जाएगी एंड आपको सीएसडी कैंटीन फैसिलिटी, पता है ना आपको, मेडिकल फैसिलिटी, लीव ट्रैवल कंसेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड अदर बेनिफिट्स अलाउंस एज पर द एक्शन गवर्नमेंट रूल्स, इतना सब कुछ मिल रहा है आपको। ये सारी जो आपकी सैलरी मिलेगी वो सारी सेविंग में जाएगी। आप ये तो चीज ध्यान रखिए, आप मेहनत कीजिए अपनी और टीयर 2 टीयर 1 को साथ लेके चलिए, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस बात वही है, आपके टीयर 2 के अंदर आपको 10 मिनट कम मिलते हैं, सब कुछ वही रहता है, 10 मिनट कम मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बस आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों को, आपको पूरी तरह मेहनत करनी है। आपको पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके अंदर क्या नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, आपको पता है कि 23 दिसंबर से फॉर्म निकले थे, लास्ट डेट 23 जनवरी थी। एंड आपके अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूँ, एग्जाम डेट देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते, केसेस अभी थोड़े बहुत, देखिए रिकवरी रेट तो अभी काफी फास्टर है बट लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये अज्यूम करके चलिए कम से कम सितंबर तक तो कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल, लेकिन अपनी तैयारी पूरी रखिए क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम मिल गया है। लेकिन आप एक चीज बताइए, अगर आप इतना ही एग्जाम देने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हो एंड बहुत ज्यादा आप देना चाहते हो एग्जाम की, भाई देना है, तो आप एक चीज जान लीजिए, अगर आप इतने ही एक्साइटेड हो एग्जाम देने के लिए, अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आपको पूरा ध्यान रखना है ना। तो इस सब आपको इस टाइम ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इस बार कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो सकता है क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे अपनी और भी पीक लेवल तक मेहनत कर रहे होंगे। तो अच्छी तरह प्रिपरेशन कीजिए, सारे टॉपिक्स को क्लियर कीजिए, बेसिक्स टू एडवांस लेवल की पढ़ाई कीजिए
आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। एंड इसके अंदर जॉब लेना एक प्रेस्टीजियस बात है, डीआरडीओ एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जो डिफेंस के लिए काम करती है एंड वेपन डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करती है, तो काफी अच्छी है। प्लीज, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन। दोस्तों गुड बाय, जय हिंद। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए।